इडिघण्टानादं कृत्वा स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरे सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदि स्थितो भगवान् मंगलायतनं हरेः लाभस्तेषां कुदस्तेषां कुदस्तेषां पराभवः येषामिन्दे भरस्याम हृदयस्तु जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकभिरामं श्रीनामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे समार्थसाधिके करण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते श्री लक्ष्मीनारायणभ्यां नमः उमा महेश्वरभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सची पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धति वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः ॐ गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरे सरस्वते नर्मदे सिन्धु कावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ सर्वतीर्थमावाहयामि पर्वतीर्थमावाहयामि सर्वतीर्थमावाहयामि ॐ अपवित्रः पवित्रोम सर्ववस्थां गतोऽपिव यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सबाह्यभ्यन्तरशुचिः ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा ॐ गोविंदाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ संघर्षणाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिवारकाः एतेषाम् अभिरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत् ॐ भुवः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म पूर्वस्वरूपं ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदहरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। द्वारा श्री परमेश्वर प्रेत्यर्थम शुभेशो मन भूमते श्री महाविष्णुराज पवर्तमानस्यार्य ब्रह्मणः द्वित प्रहारते श्वेतवराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे मारिशस द्वीपे श्री परमेश्वरी आनंद निलयम शुभ स्थाने श्री सत्य कामानंद सरस्वती प्राणे षष्ठी संवत्सरार मध्ये श्री प्लवनानि संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मनिध श्रावण मास कृष्ण पक्षे बुधवासरे शुभतिथो शुभ नक्षत्रे सूर्ये चंद्रे भौमे बुधे बृहस्पतौ शुक्रे शनौ राहो केतौ एवं पुनः विशेषण विशिष्टायां शुभतिथो गोत्र भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः श्रीमान् आर्यनन्दन अप्पय्य नाम देह धर्मपत्नी समेतस्य विज्ञानी नाम देह पहली वार्षिकोत्सव सुसंध विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य विवृत्यर्थम महाननेह श्री सत्यनारायण स्वामी षोडशोपचार पूजां करिष्ये गणपति पूजां करिष्ये कलशराधनं पञ्चपालकष्ट नवग्रह पूजां करिष्ये ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थिरासनं कुरु ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्य मातृगणा स्मृताः कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोदय यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः आगेष्ट सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः आकलशे सुधावते पवित्रे परिषिद्यते उक्ते रक्तेषु वर्धते आपो वायुगं सर्वं विश्वभूतन्यापः पशवो आपन्न मृद सम्राट आपो वसतिगस्यापो ज्योतिगस्यापो पूर्ववस्त्वरापो ओं गंगे च यमुने चैव गोदावरे सरस्वते नर्मदे सिन्धु कावेरि जले सन्नतिं कुरु अयान्तु श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। मम दुरितक्षे कारकाः कलशोदकेन पूज्य द्रव्याणि संप्रोक्षात् देव आत्मानं च संप्रोक्षात् ओम सुनीते पुनरस्मजु चक्षो पुनः प्राण विहनो देहि भोगं चोपशेम सूर्यमुत्तरन्त मनुमते हृदयान स्वस्ति अमृत वैप्राण अमृतमावह प्राण यदस्थान उपद्यते स्थिरो भव अरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु ओम गणानां गणपते गुं हवामहे कविं कवीनामुपमष्टमष्टभं ज्येष्ठराजं ब्रह्मण ब्रह्मणस्पदः आनश्रुण्वन्नोतिभिस्थितसाधनम् ॐ श्री महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ॐ श्री
महाकराधिपतये नमः आवाहनं समर्पयामि नवरत्नगजसिंहासनं समर्पयामि ओम श्री गणपतये नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि ओम श्री गं गणपतये नमः मुखे आचमन्यं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओम अभोहिष्टमयो भवद्वार उर्जेन दादन महेननाय चक्षसे यो वशिवाय नमो रसः भादयते हनौषधीरिव मातर तस्मादरङ्गभामवो यक्षष्टदजिन्वनाभुयन्नदाचनः ओम श्री गं गणपतये नमः स्नापयामि ओम अभिवस्त सुवस्तनु शानिधेनु सुदुर्ग पुण्यमारः सुपूर्णा ओम श्री गं गणपतये नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं वरमं पवित्रं सहजाः पुरस्तात् अयिष्मग्रं रदेन्द्रशुभ्रं यज्ञोपवीतं वरमस्तु देदः ओम श्री महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम गंगद्वारं दुरादर्शं नित्यपुष्पं करिष्ये ईश्वरिगं सर्वभूतानां श्रीगन्धम चन्दनं विष्णुं गर्भूरेण सुसंयुतं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगोप्यतां ओम श्री गं गणपतये नमः गंधां धारयामि ओम आयने ते परायने दुर्वरोहन्तु पुष्पेणि प्रदाच्च पुण्यरेकाणि समुद्रस्य गृह इमे ओम श्री महागणाधिपतये नमः गन्धर्वपाणि अलङ्करणानमक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम भूम्रकेतवे नमः ओम नारदक्षाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रदंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः षोडश नाम पूज्यां समर्पयामि ओम वनस्पति भवद्दिव्यै नारगण्डेषु संयुतं आग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगोप्यताम् ओम श्री गं गणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि ओम सज्ज्यां त्रिवर्ति संयुक्तं महीनमयोदितं प्रियं गृहानमङ्गलं दीपं त्रैलोकं दिविहारहं पत्यदीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकार्घोरा दिव्य ज्योतिर्नमोऽस्तु ते ओम श्री गं गणपतये नमः साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपनान्तरणं सुना चमन्यं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः ओम भुवः ओम स्वहः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ओम प्राणाय स्वः ओम अपानाय स्वः ओम ज्ञानाय स्वः उदाराय स्वः समानाय स्वः ओम मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि अमृत पिधानसोत्तर पोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुरा चमन्यं समर्पयामि ओम श्री गं गणपतये नमः महानैवेद्यं निवेदयामि ओम ओम भूगे पलय सक
कर्पूरणागवल्लीललरतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगोप्यताम् ॐ श्री गं गणपतये नमः ताम्बूलं भोगीफलं दक्षिणाञ्च समर्पयामि अदः निरञ्जनो ॐ वेदाहमेदं वर्षं महान्तमारच्च वर्णं नभसस्तु पारयेत् पर्वाणि रूपाणि विचित्ररेणः नमामि कृत्वा त्रिवन्दनास्ते ॐ तच्चं यो राहुलेमहे गारुं यज्ञाय गारुं यज्ञवतये नैरेः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्धं विगातु वेशत्वं धन्नो अष्टत्रिवरे त्वं चतुष्पदे ॐ श्रीगं गणपतये नमः कर्पूरमङ्गलनिलाञ्जनं तदनन्तरं सुदयाचमन्यं समर्पयामि गणपति बप्पा मौर्य मङ्गलमूर्ति मौर्य गोविन्द कर्णक लंबोदर विघटो विघ्नराजोगनाधिपाः डुम्रकेतुर्गणाध्यक्षो फालचंद्रो गचानन वक्रतुण्डशूर्पकर्णहीनम्बस्कन्दमुरुजाः चैतान्यमान्यविद्यारण्यविवाहे च प्रवेश निर्गमेतसंग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॐ श्री गं गणपतये नमः हृदयमन्त्रपुष्पं समर्पयामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणापदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसंभवः त्राहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यथा शरणं नास्ते त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिप रक्ष रक्ष गणपति बाप्पा रक्ष रक्ष विघ्नेश्वरः ॐ श्री गं गणपतये नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय हरीश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्यधराय विघटाय वमनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्तु ॐ गणस्यार्थमोक्तमः पूजा क्रियादिषु न्यूनां सम्पूर्णतां याति सज्जो वन्दे गणाधिपम् ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अनयध्यायनानि षोडशोपचारभोजाय च भगवान् दत्मापक्षमहागणाधिपतिं सुमृतो सुप्रसन्नो वरदो भवत् उक्तशुभकर्ण विघ्नमस्तु ते भवन्तु भवन्तु उक्तशुभकर्ण विघ्नमस्तु ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः प्रसादं शिरसागृहनामे ॐ यज्ञ यज्ञमरनन्दरेवाः तानि धर्माणि प्रदमन्यासन् देहनागन्मैव न सजन्ते यत्र पूर्वसाध्यसन्दरेवाः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः यद्धास्तनमुद्वापयामि ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटे समप्रभग्विनं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शोभनाथं पुरनाथं गमनाय च ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 गणपति बप्पा मौर्य मङ्गलमूर्ति मौर्य ॐ गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्री महागणाधिपतये नमः ॐ घनानान्त्वा घनपदे गुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपदे गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपदे गुं हवामहे वसो ममाहवजानि गर्वधमः
त्वमजासि गर्भधरम् श्री महागणाधिपतये नमः। ॐ जातवेदसे सुनवां सोममदाते यतनिदहाते वेदः स न पर्षद्दते दुर्गाणि विश्वाना दीव सिन्धु दुरितग्नेः। ॐ भोर्भुवः स्वः दुर्गा इह गच्छ इह तिष्ठ दुर्गायै नमः। ॐ भोर्भुवस्व वायो इह गच्छ यतिष्ठ वायवे नमः। ॐ घृतं घृतपावानः पिबतां वसां वसपावानः पिबतान्तरिष्यसि हवीरसि स्वाहा। दिशः प्रदिशो दिशो विदिशौ दिक्षो दिग्भ्यः स्वाहा। ॐ भोर्भुवस्व आकाशाय गच्छ यतिष्ठाकाशाय नमः। ॐ यां वाङ्कषा मरुमत्वी नाम सुन्द्रा सुन्द्री धावते दययज्ञमीमक्षत उभयां गृहीतोऽस्याश्विभ्यां त्वैषते योनिर्माद्भिभ्यां। त्वाम् ॐ भूर्भुवस्वरश्मिना इह गच्छ इह तिष्ठाश्विभ्यां नमः। पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामे, आवाहनं समर्पयामे, आसनं समर्पयामे। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। पदिपदिपाद्यं समर्पयामे, अर्घ्यं समर्पयामे, आचमन्यं समर्पयामे। ॐ गङ्गे च यमुने कृष्णे गोदावरे सरस्वते नर्मदे सिन्धुकावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरो। सर्वदीर्धमावागियामि सर्वदीर्धमावागियामि सर्वदीर्धमावागियामि। ॐ वरुणस्य उत्तम वनमसि वरुणस्य स्कमसजनेस्त वरुणस्य रीतसदन्यासि वरुणस्य रीतसदनमासीत् वरुणस्य रीतसदनमासीत्। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि शुद्धालकस्नानं समर्पयामि। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। वस्त्रमवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतमक्षतां समर्पयामि। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिक्रियताम्। गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। गन्धं समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि अबीरं गुलालं सिन्दूरं समर्पयामि। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। अक्षतं समर्पयामि। ॐ माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वैप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि विहान परमेश्वरं। गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। पुष्पैः पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। धूपमाग्रापयामि साक्षादीपं दर्शयामि। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। महनीवीर्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहमपनाय स्वाहं व्यानाय स्वामुननाय स्वाहा। ॐ समनाय स्वाहं भ्रमणे स्वाहा। मध्यमध्यपानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। महानिवेद्यं निवेदयामि। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। मध्यमध्यपानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि ताम्बूलं भोगिफलं दक्षिणां द्रव्यमक्षतान् समर्पयामि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ न तत्र सौर्यभान्दन चन्द्रतारकं नेम विद्युद्भान्दकुतोऽयमग्निः त्वमेव भान्दमनुभाति सर्वं तस्य भास सर्वमिदं विभाते। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। कर्पूरनिराजनं सन्दर्शयामि शुद्धाचमन्यं समर्पयामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। ॐ गणपत्यादि पञ्चलोकपालेभ्यो नमः। आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ इन्द्राय नमः। ॐ अग्नये नमः। ॐ यमाय नमः। ॐ नेरितये नमः। ॐ वरुणाय नमः। ॐ वायवे नमः। ॐ कुबेराय नमः।
ओम शनाय नमः ओम इंद्रादिक अष्टदिक पाले देवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामे आवाहनं समर्पयामे आसनं समर्पयामे ओम इंद्रादिक अष्टदिक पाले भ्यो नमः पदे पदे पाद्यं समर्पयामे ओम इंद्रादिक अष्टदिक पाले भ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामे ओम इंद्रादिक अष्टदिक पाले भ्यो नमः आचमन्यं समर्पयामे ओम इंद्रादिक अष्टदिक पाले भ्यो नमः स्नानं समर्पयामे ओम सर्व भूषादिके सौम्ये लोका लज्जा निवारणे मयोपपादीति ग्रीयतां ओम इंद्रादिक अष्टदिक पाले भ्यो नमः वस्त्रमपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतमक्षतां समर्पयामि ओम श्रीखंडचंदनं दिव्यं गंधाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरशिष्ट चंदनं प्रतिग्रीयतां ओम इंद्रादिक अष्टदिक पाले भ्यो नमः गंधं समर्पयामि चंदनं समर्पयामि हरिद्रकुंकुमं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मयाधितानि पुष्पानि गृहान परमेश्वर ओम इंद्रादिक अष्टदिक देवताभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि मन्दं चतुर्विधं स्वादरचैः षड्भिः समन्वितं निवीर्यं क्रियतां देव भक्तिमे याचनां करोम ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिम् ओम इंद्रादिक अष्टदिक देवताभ्यो नमः महानिवीर्यं निवीर्यामि ओम फलेन परितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानी नाशफलास्य मनोरथ ओम भोः ओम भवः ओम शुभः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मा भूर्वस्वर ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम मध्यमधिपान्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि महानिवीर्यं निवेदयामि ओम इंद्रादिक अष्टदिक देवताभ्यो नमः निर्बलानि समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि अखण्डनिर्बलं समर्पयामि ओम इंद्रादिक अष्टदिक देवताभ्यो नमः ताम्बूलं पूगीफलं दक्षिणां द्रव्यं चक्षतां समर्पयामि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम धर्माने धर्मान्यासन्ते हनाकं महिमान सदन्दयन्ते पूर्वे सार्यादन्ति धीवाः राजाधिराजा प्रसाय सागिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्मे समे कामामि कामायं यं कामेश्वर वैष्णवना दधात कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ॐ इन्द्रादिगच्छदिगदेवताभ्यो नमः धीराजलं समर्पयामे सिद्धाजनं समर्पयामे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर ओम इन्द्रादिकष्टदिगदेवताभ्यो नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि ओम जपाकुसुमसंकाशं काश्यपीयं महाद्रते तमारिक सर्वपापग्नं प्रणदस्मि दिवाकर ओम सूर्यग्रहाय नमः ओम दरिशंकाचुचाराभं क्षीरोद्धानवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटर्भूषणं ओम चंद्रग्रहाय नमः ओम धरणी गर्भसंभूतं विद्युकांति समाप्रभं कुमारशक्तिहस्तं त्वं मंगलं प्रणमाम्यः ओम अंगारकग्रहाय नमः ओम प्रियंगुकाली काश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बोधं प्रणमाम्यः ओम बुधग्रहाय नमः ओम दीवानां चर्षिणां च गुरुकाञ्चन सन्निभ बुद्धिपोटं त्रिलोकेश तं नमामि बृहस्पते ओम बृह
बृहस्पति ग्रह नमः ओम हेमकुंडा मिललाभम दत्यनाम परमं गुरुं सर्वशातपवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यः ओम शुक्र ग्रहाय नमः ओम नीलाजना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभोतं तं नमामि शनेश्वरं शनि ग्रहाय नमः ओम अर्धकाय महावीर्यं चंद्राधित्य विवर्धनं सिंहेकगर्भ संभोतं तम राहुं तम प्रणमाम्यहं राहुग्रहाय नमः ओं पलाश पुष्पसंकाशं तारकग्रामस्तकं रुद्रां रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं ओं केतुग्रहाय नमः ओं सूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामे ओं सहस्रशरशा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपद सभौमिं विश्वता विद्वात्यतिष्ठत् दशांगुलं श्री सूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पुरुषैवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं पुतामृतदवस्येशानः यदनीनातिरोहत श्री सूर्यादि नवग्रदेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि ओमीतवानस्य महिमातोजयांश्च पौरुषः पादोश विश्वभूतानि त्रिपद समृतं दिवे श्री सूर्यादि नवग्रदेवताभ्यो नमः पदिपतिपाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वदीर्घमावाहयामि 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 ॐ वरुणस्य उद्दम्भनमसि वरुणस्य स्कमसजनैस्ता वरुणस्य रीतसदिन्यासि वरुणस्य रीतसदनमासि वरुणस्य रीतसदनमासत् श्रीसूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि शुद्धार्कस्नानं समर्पयामि ॐ सर्वभूषादिके सौम्य लोका लज्जा निवारणे मयोपपादिते दुव्यं वाससि प्रतिगृह्यता श्रीसूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः वस्त्रं समर्पयामि मम वस्त्रं समर्पयामि ॐ ब्रह्माय ज्ञानं प्रथमपुरुस्तर्विशिवता सुरुचो वेनावः सपदिन्यपमस्त्यभीष्टाः सतस्य निमासतस्य विवः श्रीसूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतमक्षतान् समर्पयामि ॐ श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरशिष्टं चन्दनं प्रतिगृह्यताम् नमः शुभभ्यश्वपदेभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वा च पशुपतये च नमो नमो नीलग्रीवाय च शतिगन्धाय च श्रीसूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः घन्नं समर्पयामि कुङ्कुमं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि अबीरं गुलालं समर्पयामि ॐ श्रीसूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः अक्षतं समर्पयामि ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वैप्रभो मयाधितानि पुष्पानि ज्ञान परमेश्वर श्री सूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामे पुष्पमालां समर्पयामे ओम सूर्याय नमः ओम चंद्राय नमः ओम भूम्याय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनीश्वराय नमः ओम राहवे नमः केतवे नमो नमः श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामि ओम श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोतद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत श्री सूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः साक्षात् दीपं दर्शयामि ओम अन्नं चतुर्विधं स्वादुरचैः षड्भिः समन्वितं नैवेद्यं क्रियतां दीव भक्तिमे याचलां कुरो ईप्सितं न वरं देह परत्र च परां गते श्री सूर्यादि नवग्रादि देवताभ्यो नमः महानैवेद्यं निवेदयामि ओम फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफलास्य मनोरथ ओम भोः ओम भवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसममृतं ब्रह्मा भूर्वस्वर ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम भजनाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम
ब्रह्मणे स्वाहा ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मां नैवेद्यं निवेदयामि श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः निर्बलानि समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि अखण्डनिर्बलं समर्पयामि ओम भोगी बलम महद्दिव्यं नागवल्लयदलैर्युतमीलाचूर्णादि संयुक्त तांबूलं प्रतिगृह्यताम् श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः दक्षिणां द्रव्यमक्षतां तांबूलं पूगीफलं समर्पयामि अथ निराजन ओम नदत्रसौर्यमान्दन चन्द्रतारकं मेम विद्यद्भागकृतायमग्निः त्वमेव भान्तमनुभाति सर्वं तत्यभाति सर्वमिदं विभाते ओम नदत्रसौर्यमान्दन चन्द्रतारकं मेम विद्यद्भागकृतायमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्यभासि सर्वमिदं विभाते ॐ ब्रह्ममुदादित्यपुरान्तकारे भानापतिभौमे चतुर्भुजश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहान्तकरः भवन्तो सर्वे ग्रहान्तकरः भवन्तो सर्वे ग्रहान्तकरा भवन्तो श्रीसूर्यादिनवग्रादिदेवताभ्यो नमः कर्पूरनिराञ्जनं सन्दर्शयामे सिद्धाचमयं समर्पयामे ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर त्रिसूर्यादिनवग्रादिदेवताभ्यो नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यदबोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॐमादित्याय विद्महे सूर्यग्रहणाय धीमहे तन्नो सूर्येवं नवग्रहदेवता प्रचोदयात् शान्तः ॐ सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वते श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्न मम सर्वदा वरान् कोशपाशमभेदे मुद्रां करर्वहन्ते कमलासनस्तां बालार्ककोटे प्रतिभां त्रिनेत्रां भजे अमम्बां जगदीश्वरी त्वां श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णारदतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदाम् आवह श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः ध्यानं समर्पयामे आवाहनं समर्पयामे ॐ ताम् आवाह जातवेदालक्ष्मीं मनपगामिने यस्यामिरण्यभिन्देयं कामश्वं पुरुषान्नः श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः आसनं समर्पयामे श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः पतिपतिपाद्य समर्पयामे श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः अर्घ्यं समर्पयामे श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः आचमन्यं समर्पयामे ॐ गङ्गे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वदीर्घमावाहयामि 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 ॐ वरुणस्य उत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कमसजनिस्त वरुणस्य रीतसदन्यासि वरुणस्य रीतसदनमासेत् वरुणस्य रीतसदनमासेत् श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः स्नानं समर्पयामे ॐ पयः पृथिव्यां पयः औषधीश पय दिव्यन्तरिक्ष पयुदाः पयस्त्वदः प्रतिसन्तो मह्य श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामे ॐ शुद्ध बालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः शीलः शीताचरणस्य रुद्राय पशुपदय कर्णायामा अवलिप्ता रुद्रनुभवरूपाः पार्जन्याः श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः शुद्धार्घस्नानं समर्पयामे श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामे ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमो नमः यज्ञोपवीतमक्षतान् समर्पयामे ॐ माल्यादिनी सुगन्धिनि मालत्यादिनि वै प्रभा
मयाधिकानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरे श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः पुष्पैः पूजयामे श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः हरिद्र कुंकुमं समर्पयामे अबीरं गुलालं सिंदूरमक्षतान् समर्पयामे श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामे या देवी सर्वभूतेश लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः साक्षात् दीपं दर्शयामे श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः महानिवेद्यं निवेदयामि ओम फलेन बलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथा ओम भोः ओम भवः ओम शुभः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यन्नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भुर्भुवस्वर ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम मननाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामे हस्त प्रक्षालनं समर्पयामे महानेवेद्यं निवेदयामे श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः ऋतुफलानि समर्पयामे अखण्ड ऋतुफलं समर्पयामे आगमन्यं समर्पयामे ताम्बूलं भोगिफलं दक्षिणां द्रव्यं चक्षतां समर्पयामे ओम लतप्रसार्य भांजन चंद्रतारकाने मविज्यत भांज गताय भग्ने तमेव भांज मनुभात सर्व सत्यभाष सर्वनिदं विभाते सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवे नारायणि नमोस्तुते श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः कर्पूर निरांजन संदर्शयामे सिद्धाचरण्य समर्पयामे ओम यानि यानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरे श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामे या देवी सर्वभूतेश लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेश छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेश क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री महालक्ष्मी देवी नमो नमः मंत्रपुष्पाणि समर्पयामे ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारे च धीमहे तन्ना लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः
शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगि हृद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ समन्वितं लोकनादं त्रिलोकेशं कस्तूरं भरणं हरेण पीतवर्णं नीलवर्णं श्रीवक्षपदभूषितं गोविंद गोकुलनन्दं ब्रह्मणे रघुमोदितं ओं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओं सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद तपोवं विस्तत वृत्त अत्यधिष्ठदशांगुल ओं ज्योतिषांतं सर्वलोकांतरस्थं योगि हृद्यान गम्यं सांगं शक्तिं सायुधं भक्ति सेव्यं सर्वकारं विष्णुमावाहयामि ओं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि ओम पुरुष एवेदघं सर्वं यद्भूतं यज्जभव्य उतावृतत्तशेषानः यदन्नेनातिरोहते ओं कल्पाद्रुमुलिमणिवेलिमध्यसिंहासनं स्वर्णमयं विचित्रं विचित्रभुजभङ्गडप्रभो गृहान लक्ष्मीधरणिन वन्दिता प्रभो ओं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नवरत्नगदितसिंहा सनम समर्पयामि ओम एता ओम एतावानस्य महिमा अदो जायुगुंश पुरुषः पादो च विश्वभूतानि त्रिपादस्य वृतन्दिवे ओम नारायण नमस्ते नरकार्णवतारक पाद्यं गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय ओं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पादेह पाद्यं समर्पयामि ओं त्रिपदूर्व उदयपुरुषः पादो शेहद्भवत्पुनः ततो विश्वक्रामत शासनानशने अवे ओं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपतये नमः मया निवेदितो भक्तधर्गोऽयं प्रतिगोप्यताम् ओं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि ओम तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पस्य भूमि मदो पुनः ओम मंदकिन्यास्तु यद्वारे सर्व पापहरं शुभं तदियं कल्पितं देव सम्यगं चम्यतां विभो ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः मुखे आचमन्यं समर्पयामि ओम यत्पुरुषेण हविष्य देव यज्ञमनन्वत वसन्तो अस्य सिद्ध्यार्चम ग्रीष्म इग्म शरद भवेः तीर्थके कांच कुंभ संस्थ विलापय गृहान पुरुषोत्तम ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नापयामि ओम पंचामृतं वयानीतं वयोदधिहृतं वधो स्नानं पंचामृतं देव गृहान पुरुषोत्तम अनादनार सर्वज्ञ गिर्विनिना प्रणति प्रिया ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओमापो हिष्टम योपवत्थान ऊर्जेदधातन महेरना चक्षसे योव शिवाय नमो पादयते हनौषकीरिव
जीवमातर तस्मादनंग मामवो यक्षश्चत जिन्वना आपोचना यथाचन है ओम्नदिनाम चैव सर्वसा मानितं निर्मलो दकं इस्नानं स्विकुरु देवेश मया दत्तं सुरेश्वर है ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदक स्नापयामि ओम सत्यास्यासं परिदयः त्रिसप्ता समिदक्रुदाः देवयज्ञार्चं धन्वानः अबदं पुरुषं पशुं ओम वेद सुक्ते समायुक्ते यज्ञ सामा समन्विते स्वर्ण वर्ण प्रदे देव वास सीते निर्मिते ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्र युग्मं समर्पयामि ओम तं यज्ञ भर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः देव देव अजयंत साध्य रुचयच्च मे ब्रह्म विष्णु महेशान निर्मितं ब्रह्म सूत्रकं गृहान भगवान विष्णु सर्वेष्ट फलद भव ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम तस्मा दस्वा ओम तस्मा ज्ञात सर्वहुदः संप्रुत रुदस्यार्जम पष्टुगेता चक्रवायव्यान आरण्यां ज्ञाम यच्चमे श्री गन्नम चन्नग दिव्यम गन्नादं सुवरोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ प्रेत्यर्दम रदगोक्यदयम ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः गन्धां भारयामि दिव्य श्री चंदनम हरिद्र कुंकुमं समर्पयामि ओम तस्मा ज्ञात सर्वहुदः रुदमानिदे चंदग जग्यधे तस्मात् अजायतः ओम हिरण्य हेरु केयुरा ग्रमण मणिकंकन्य सुवर्ण भूषण रुक्तम गृहान पुरुषोत्तम ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आभरणानि समर्पयामि ओम तस्मात् जयंत एकेच भयादतः गावः जग्गिरे तस्मात् अजाभयः ओम मल्लिकादि सुगंधिने मालिक्ये दिवे प्रभो माया हृदानि पूज्यार्थं पुष्पाणि प्रतिगोक्यदाम ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पं समर्पयामि ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालां धारयामि ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि ओम गोविंदाय नमः गुल्पौ पूजयामि ओम इंदिरापतये नमः जंगे पूजयामि ओम अनघाय नमः जानुनी पूजयामि ओम जनार्दनाय नमः ओरोहं पूजयामि ओम विष्णुशवसे नमः कटिं पूजयामि ओम कुक्षिभवनाय नमः उदरं पूजयामि ओम लक्ष्मीवक्षस्थलाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ओम शङ्खचक्रगदापाणये नमः बाहुं पूजयामि ओम कम्बुकंठाय नमः कंठं पूजयामि ओम पूर्णविक्तवाय नमः वक्त्रं पूजयामि ओम कुंडलदंताय नमः दांतान् पूजयामि ओम नौसिंहमुक्तिकाय नमः नासिकान् पूजयामि ओम सूर्यचंद्राग्निनारिने नमः नेत्रे पूजयामि ओम सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि अतः अष्टोत्तरस्तर परबारं भवः ओम विश्वस्मै ओम विष्णवे ओम वशंकराय ओम भव्य भवत् प्रभवे ओम भूत भूत कृते ओम भूत भव्य भवत् प्रभवे ओम भूत कृते ओम भूत भृति ओम भवाय
ओम भूतात्मने ओम भूत भावनाय ओम भूतात्मने ओम परमात्मने ओम भुक्तानां परमागतय ओम अध्ययाय ओम पुरुषाय ओम साक्षिने ओम क्षेत्रज्ञाय ओम अक्षराय ओम योगाय ओम योगविदां नेत्रे ओम प्रधान पुरुषेश्वराय ओम नारसिंह वपुषे ओम श्रीमते ओम केशवाय ओम पुरुषोत्तमाय ओम सर्वस्मै नमः ओम सर्वाय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्थानवे नमः ओम भूतादये नमः ओम अव्यनिधये नमः ओम संभवाय नमः ओम भावनाय नमः ओम भर्त्रे नमः ओम प्रभावाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम ईश्वराय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम शंभवे नमः ओम आदित्याय नमः ओम पुष्कराक्षाय नमः ओम महास्वनाय नमः ओम अनादिनिघ्नाय नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम धातरुत्तमाय नमः ओम प्रेमयाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अमरप्रभवे नमः ओम विश्वकर्मणे नमः ओम मनवे नमः ओम त्वष्ट्रे नमः ओम स्थविष्ठाय नमः ओम स्थविरुद्वाय नमः ओम अग्रयाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम लोकिताक्षाय नमः ओम प्रतर्दनाय नमः ओम प्रभुताय नमः ओम टीकाकुण्डाम्ने नमः ओम पवित्राय नमः ओम मंगलपराय नमः ओम ईशनाय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम श्रेष्ठाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम भूगर्भाय नमः ओम माधवाय नमः ओम मरुसूदनाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम विक्रमिने नमः ओम धन्विने नमः ओम मिधविने नमः ओम विक्रमाय नमः ओम क्रमाय नमः ओम अनुत्तमाय नमः ओम दुरघर्षाय नमः ओम कृतज्ञाय नमः ओम कृतये नमः ओम आत्मवते नमः ओम सुरेशाय नमः ओम शरणाय नमः ओम शर्मणे नमः ओम विश्वरेतसे नमः ओम प्रजाभवाय नमः ओम अनये नमः ओम संवत्सराय नमः ओम व्यालाय नमः ओम प्रत्ययाय नमः ओम सर्वदर्शनाय नमः ओम अजाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सीधये नमः ओम सर्वादये नमः ओम अच्युताय नमः ओम ऋषभये नमः ओम अमियात्मने नमः ओम सर्वयोगविनिष्ठिताय नमः ओम वसवे नमः ओम वसुमनसे नमः ओम सत्याय नमः ओम समात्मने नमः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टाक्षरशतनाम पूजां समर्पयामे पुष्पैः पूजयामे ॐ यत्पुरुषं यदवधो कविज्ञाकल्पयं मुखं किमस्य कोवाह आवोरुभारोच्यते दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं सुवरोहणं धूपं गृहाण देवेश सर्वदेव नमस्कृतः ॐ श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ भ्रमणोऽस्य मुखमासे बाहुराचण्यकृतः ॐ तदस्य वैष्णवः पद्यागं शुजो अजायत ॐ मृतवर्ति संयुक्तं महेन मयोदितं प्रियं गृहारमङ्गलं दीपं त्रैलोकं निविहापहं वज्रदीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकार्धोरात् दिव्यज्योति नमोऽस्तु ते ॐ श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः साक्षाद्दीपं दर्शयामि धूपदीपनान्तरणं शुराचमन्यं समर्पयामि गोविन्द गोविन्द ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षुसूर्यो अजायत मुखदिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणोद्भयार्जायत ॐ अन्नं चतुर्विधं भक्षय वृत्ति समन्वितं नैवेद्यं हृदयोक्यताम् ॐ फलेन फलितं सर्वत्रैलोकं सदनाचरं तस्मात् फलापदानेन सपराश्च मनोरथा ॐ
ॐ भुवः ॐ स्वहः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपम् ॐ नमो नारायणाय ॐ सत्यं दण्डरेण परिसिञ्चयामि अमृतमस्तोऽमृतोपस्तर नमसे नैवेद्यं शत्रुशोपेतं फललद्युगसंयुतं भक्षभोजसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगोप्यताम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ भ्याराय स्वाहा ॐ उदाराय स्वाहा ॐ समाराय स्वाहा ॐ मध्यमध्यपानीयं समर्पयामि अमृतपिधानसोत्तरभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शूलाचमन्यं समर्पयामि ॐ श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः महानैवेद्यं निवेदयामि ीदन्तरिक्षं शिरोदस्तमवरदद पद्यागं शुलोतदा लोका अकल्पयन् भोगे फलय सकर्पूरैनागवल्लेरलयृतं मुक्ताच्छूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगोप्यताम् ॐ श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः ताम्बूलं भोगे फलं दक्षिणाञ्च समर्पयामि अतः निराञ्जन ॐ पुरुषं महान्तः आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे पर्वाणि रूपाणि विचित्रदेरः नमानि कृत्वाभिमण्डलास्ते ॐ तच्चं यो राहुणे महे गाभुं गज्ञाय गाभुं गज्ञवतये नैवेः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः उर्वन्ति गाभुवेषज्ञः पन्नोऽष्टद्विवरे एषं चतुष्वरे ॐ श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः कर्पूरमङ्गलनिराञ्जनं समर्पयामि निराञ्जनं तदनन्तरं शुभाचमन्यं समर्पयामि गोविन्द शक्रः प्रविद्वान् पदिशष्टकस्त्रः तमेयं विद्रनमृत इह भवते नान्यपण्ठायनाय विद्यते ॐ सहस्रशेरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वसम्भवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वनारायणगं हरे विश्वमेदगं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्याशमीशतकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाजेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणः परो ज्योतिरात्मनारायणः परः नारायणः परब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणः परो ध्यातध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृष्टते श्रूयते विव अन्तर्भविष्यतत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः आनन्दमवगं कविगुं समुद्रेन्तं विश्वसम्भवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाव्यदोमुखम् अडो विस्तत्यान्तिरक्तामपरिजिष्टते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं मह सन्तकं शिवविस्तुलं तष्टकोशसन्निधं तस्यान्तिसूक्ष्मशिखं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महीरग्निर्विश्वाच्छद्विश्वतोमुखः भोगभोग
विजयांति स्नहारमदरग्गवे देवगुरुद महिषारास्याय संददा संतमदितं देवमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये महिषिखा अनियोज्य व्यावस्थितः नीलतो यदमद्युल्ल विद्युल्लेखव भास्वरा नीवरा शुक्तभाचमी सीतमस्तत्तनोभम तस्याक्षिकया मध्ये परात्म व्यावस्थितः ओम सब्रह्म ओम शशिवास ओम शहरिसेन्द्रो सोक्षर परमाश्वराट योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवदे चंद्रवा अपं पुष्पवान् पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवदे य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदे अग्निवा अपमायतनो आयतनवान् भवदे यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवदे आपो वा अग्निरायतनो आयतनवान् भवदे यैवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदे वायुर्वा अपमायतनो आयतनवान् भवदे यो वायुर्वरायतनं वेद आयतनवान् भवदे आपो वै वायुरायतनो आयतनवान् भवदे यैवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदे असौ वै तपन्नमपमायतनो आयतनवान् भवदे यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवदे आपो वा अमुष्यतपत आयतनो आयतनवान् भवदे यैवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदे चन्द्रवा अपमायतनो आयतनवान् भवदे चन्द्रवा अपमायतनं वेद आयतनवान् भवदे आपो वै चन्द्रमायतनो आयतनवान् भवदे य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदे नक्षत्राणि वा अपमायतनो आयतनवान् भवदे यो नक्षत्राणमायतनं वेद आयतनवान् भवदे आपो वै नक्षत्राणमायतनो आयतनवान् भवदे य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदे पर्जन्य वा अपमायतनो आयतनवान् भवदे यो पर्जन्यस्य मायतनं वेद आयतनवान् भवदे आपो वै पर्जन्यस्य मायतनो आयतनवान् भवदे य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवदे संवत्सर वा अपमायतनो आयतनवान् भवदे यो संवत्सरमायतनं वेद आयतनवान् भवदे आपो वै संवत्सरमायतनो आयतनवान् भवदे य एवं वेद यो पुरश्नवा प्रतिष्ठते किं तद्विष्णुबलमाहुः का दीप्ति किं परायणमेघरजस्तदेवः रेजति रोदसे उदयवत्य विष्णुबलमाहुः अक्षरा दीप्तिदिपायत्तरेकमुच्चमं राजाय राजाय प्रदत्तसारिणे नमो वयं वैष्णवनाय कौर्महे समे कामान् कामाय मज्ञः महेश्वर वैष्णवनाय ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्म ॐ तत्सत्य ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः
विश्व गृहायं विष्णुमूर्धजः तं यज्ञष्टं वष्टारस्तम् इन्द्रस्तम् रुद्रस्तम् विष्णुस्तम् प्रजावते तं तप अपो ज्योतिरसोमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्तराप ईशान सर्वविद्यानाम् ईशान सर्वभूतानाम् ब्रह्म निर्पतिममनोदेपतिमम शिवामि हस्तसगादिनाम् तस्तिष्ठ परमपदकम् सदा पश्यति सूर्यः दिविव चक्षुरागतम् तस्तमिन्दत जुग्रतां संविन्दते विष्णोर्तत्परमं पदं रोतगं सत्यपराब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ओर्वदेतं विरूपाक्षं विष्णुरूपाय वै नमो नमः विष्णुरूपाय नमो नमः विष्णुरूपाय नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ आकाशपतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति श्रीकेशवं प्रति गच्छति श्रीकेशवं प्रति गच्छति ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आ हृदय मंत्र पुष्पं समर्पयामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्त प्रदक्षिणा पदे पदे पापोहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभवः द्राहिमां कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यथा शरणं नास्ते त्वमेव शरणं मम तस्मादारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन रक्ष रक्ष श्री सत्यनारायण स्वामी ॐ श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ॐ ॐ श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः चक्रमाच्छादयामि ॐ श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः चामरं वीजयामि ॐ श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः गीतं श्रावयामि Jaya Narayana Narayana
नारायण नमो नारायण स्वस्ते ओम श्रीमन्नारायणाय नमः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आंडोलिकानारोहयामि आश्वानारोहयामि आश्वानारोहयामि ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः कर्नाटक संगीतं समर्पयामि
Yeah.
नारायण ओम नारायण नारायण ओम नारायण ओम नमो नारायणाय Narayana, 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 Narayana.
మీకు అందరికి సప్రేమ నమస్కారం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రాత్రి వేళలో మనమందరం భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడ వచ్చి పరమేశ్వరి ఆనంద నిలయాశ్రమంలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి యొక్క పూజలు కీర్తనలు భజనలు చేస్తున్నాము ఇంకా ఇవాళ ఆర్యనందన్ మరియు అనసూయ యొక్క వివాహ వార్షికోత్సవం వివాహ రజతోత్సవం అంటారు ఆప్ సభీకో మేరా ప్యార్ భరా నమస్కార్ నేను బియర్ మోటోజీ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సో పూజా పిఫేర్ ఏ देवी सांजी पूजा पू महाविष्णु नारायण पेफे पेविनी ए पेटेमिने रोजी एंड पूर्णा भुक्ति आलोकाजियों आर्यनंदन ए अनसुया जुत विवाह रजत रजोत्सवम रज रजत उत्सवम अपेली सिल्वर जुबिली सिल्वर जुबिली दिल्ली रजत उत्सव रजतोत्सव 25वां एनिवर्सरी मैरिज ये ग्रैंड अफेयर सा डॉन ला वियन जिमुन सो ब्रह्मचर्य आश्रम अप्रे रेंट डॉन गृहस्थ आश्रम ला वी कॉन्जुगल et dans Guette-Guette arrive 25 ans. Nous prier Anasuya, Aryanandan, Lokesh, Bhushan, de tout vivre bien, en bonne santé, longue vie, beaucoup prospérité, beaucoup la joie, bonheur, la paix dans la vie. Dashavatar Katha, 10 incarnations, avatar, pour Mahavishnu, nous payons. Faire deux avatars par jour. Samedi, nous commençons avec Matsya avatar et Kurma avatar. Et aujourd'hui, les Buddha avatar et Kalki avatar. Pour les noms l'Inde, je te dis, neuvième avatar, les Bouddhes, Gautam Bouddha avatar. Mais dans le sud de l'Inde, surtout en Telugu, je dis neuvième avatar, les Venkateshwara Swami. Mais Mahavishnu même ça. Pour Venkateshwara, beaucoup fois, explique ou raconte Sri Venkateshwara Lilalu. Vous avez dit, moi, je suis content. Nous causons un petit peu le Bouddha avatar, Gautama Bouddha. Avataram. Avant que moi le prononce,
Hindi pa wolo Buddha avataram. Mupujiya la vie spirituelle est bien bien jolie. Et dans la vie spirituelle, elle a beaucoup la paix, beaucoup de tranquillité, beaucoup de bonheur, beaucoup de la joie. Parce que c'est la vie spirituelle. Personne ne parle de la guerre en quelqu'un. Si une personne est une personne spirituelle, il y a un démon spirituel, il n'y a pas de la guerre qui est. Qui est capable de venir de la guerre, de l'offense, de l'oublier. Mais seulement lui, il est calme, il garde son balance l'esprit, parce qu'il est dans la vie spirituelle. Maintenant, il y a une personne qui prend pour rentrer dans la vie spirituelle. Ça va là, qui est le conseil? Je vais mettre 7 numéros, 7 points devant vous. Tout bonne personne qui part encore rentre dans la vie spirituelle. Ça, 7 points là, les bien bien essentiel. Je prépare ça pour vous. Numéro 1. Si un djiboun peut rentrer dans la vie spirituelle, son premier pas, écouter et lire les histoires bon Dieu. Écoute les histoires bon Dieu. Et lire les histoires bon Dieu. Numéro 1. À cause de ça même, il fait de Shavatar Katha. Katha même veut dire l'histoire. Katha veut dire l'histoire. Quand tu n'as pas des histoires, on comprend la différence là. À cause de ça, dire écoute les histoires, mon Dieu. Écoute l'histoire, mon Dieu. Ok. Deuxième, faire prarthana, prière pour mon Dieu. Faire stuti, éloge pour mon Dieu. Et faire upasana pour bon Dieu. Upasana veut dire, ne fait une vision, bon Dieu devant vous, et vous assise vis-à-vis de lui, vous pouvez lui. Ça appelle upasana. Numéro 3. Chant kirtan bhajan pour bon Dieu. Chante la gloire, bon Dieu. Pas perdu ou le temps avec une chanter inutile. Quand on dit ou chanter inutile, ou connaît ou. Numéro 4. Écouter et lire la vie d'un grand grand bhakta. Elle a combien d'un grand grand bhakta? Bhadrachala Ramadasu, Tyagaraja Swami, Namdev, Tiruvalluvar. Comme ça, elle est longue la liste. Ça, mon grand grand bhakta, mon grand grand dévot. Écoute la vie. Étudiez la vie, lisez la vie, comment il allait, comment il passait. Si vous ne connaissez pas, informez, demandez. Vous connaissez quand vous étudiez la vie qui est là, ou aussi, il vous inspire. Inspiration là, vous gagnez là. Alors, écoute. La vie d'un grand grand. Numéro 5. De temps en temps, pense bon Dieu. De temps en temps, pense bon Dieu.
temps en temps pense bon Dieu et fait méditation le bon Dieu. Temps en temps pense bon Dieu, qui faire? Question posée, qui faire? Shri Krishna dit dans Bhagavad Gita, si temps en temps tu penses moi, tu peux dans bien, tu peux heureux. Si un djimoun temps en temps lui pense moi, et si un tout lui pense moi, l'air lui peut mourir, l'air son âme peut quitter sa l'école, la peut aller, lui peut pense moi, définitivement lui gagne. Assez dans beaucoup de monde dit, ben, temps en temps, qui est moins pour penser bon Dieu? Si c'est un mauvais mot, on est pour penser bon Dieu. On finira, on finit gagner bon Dieu. Moi, je dirais, tout le pied bon Dieu. Il n'y a pas ça du tout. Si temps en temps, tous les jours, chaque instant, ou pas penser bon Dieu, dernier l'air, ou pas pour penser bon Dieu, elle est là. Dernier l'air, on connaît qui vous pensez? Ou dire aux bonnes enfants, hé, hey, venez, 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 venez. Je connais moins de 10 millions de roupies dans la banque. Partagez les auteurs, pas la guerre. Hein? Qui grandit, mon Dieu, l'État. Je m'appelle Pandit pour lire un peu, montrer, lire Ramayana, tout ça, la fait Gaudan. Je dis, hey, qui est Gaudan? Hey, ben, les enfants, guide bien. Ben, il y a 10 enfants la terre. Ben, plantez. Plantez un peu. Seulement, grandir ne va planter. Ça va être pensé comme ça pour venir là. Et ça dit, mon là, l'État, il peut mourir. Imaginez un petit coup, quand il peut aller, c'est. Quand il peut aller là. Définitivement. Ça dit, mon qui peut penser l'argent, l'argent, l'argent. Vous connaissez qui nous livre sacré, il dit. Il dit, ça dit, mon là. Son prochaine naissance, il peut naître comme un serpent. Bon Dieu pour mettre l'argent, bon Dieu pour mettre une pelle dans son latin. Vous connaissez ça? Comme ça, ça. Alors, à cause de ça ici, de temps en temps, pense bon Dieu. Au final aussi, vous pourrez. Numéro 6. Vivre une vie végétarienne. Si un djimoun, c'est tout pour nous, hein, la nouvelle cause pour hindou dharma, l'hindouisme. Si un djimoun peut suivre la vie spirituelle, l'hibisant est une végétarien. Pas oblige. Nous livre sacré, pas une oblige qui gagne. Mais une conseiller, si vous rentrez dans la vie spirituelle, pour hindou, ou vin un végétarien. Il y a un homme, il y a un homme. Façon où nourriture était, sa même façon où l'esprit pour être, façon où l'esprit pour être, sa même façon où bonne pensée pour être, façon où pensée était, sa même façon où action aussi pour être. Alors, vin végétarien. Après, on dit, on n'est pas capable de méditer. Nous connaissons dans beaucoup dans les autres communautés, on peut faire méditation, dans les autres règlements différents. Mais un hindou, hindou, yam niyam asan pranayam pratyahar dharana dhyan, dhyan ça c'est la septième étape ça. L'idée c'est nourriture, base nourriture. Quand on nourriture correct, ou l'esprit peut venir correct. Quand on l'esprit correct, ou bonne pensée peut venir correct. Ou pensez vin correct ou bonne action, travail tout correct, correct, tout pour correct même. Et quand vous êtes assisé dans méditation, ou l'esprit pas chanchel, ou l'esprit pas galop ici, pas pour galop là-bas. Parce que l'esprit informé avec nourriture. Si vous nourriture correcte, calme, satwik, dev bhojanam, satwik, fruits, légumes, du lait, définitivement vous coule ou l'esprit calme. Voulez-vous donner un petit exemple? Nous prenons un petit exemple. Un djimoun, nek mange ou même là, mange un piment rouge, après boire une tasse de thé, so-so. Vous guettez comment ou vous êtes ou l'esprit comment vous êtes.
Essayez d'y écouter guetter. Mange un piment rouge, en même temps, on boit une tasse de thé ou soit café. Chaud, hein. Ou l'esprit qui m'a vous galoper, comme on dit, Zarko, l'offier. Saut ici, saut là-bas, saut. Les éléments, même, je vous fais une cause de bon, cause. Et nous sommes en kirtan, je suis sorti de l'état. T'as l'air, moi, tout, toi, là. Que les éléments montent automatiques. Qui fait un sève d'affaires, ou mange piment rouge, ou boit café, sosso. Vous pouvez gagner l'idée comment nourriture même ça. Pas manger même ça. Nous tous nous manger même. Numéro 7, ça même dernier. Développe compassion pour le prochain. Développe sa compassion là dans l'équerre. Sa compassion dans nos langages, nous dit Daya. Daya. Si un divin peut être Daya. Il peut être compassion pour son prochain. Un divin, il a une souffrance, il a un problème, on va pas aider, on peut aider. Un divin peut marcher là, la pluie tombée, pas connaître qui sont là, qui est Mahatma, il mange une banane. Banane, mieux bien sûr. Il jette la peau là. Il pose les pieds, la peau banane est tombée. Il est tombé pour le diable, les reins sont cassés, vous pouvez rire. Il y a une affaire pour rire, il est tombé. Mauricien est un peu comme ça. Vous ne connaissez pas dans le monde, tout le monde dans le monde comme ça, même les Mauriciens nous connaissent. Quand quelqu'un peut tomber, il rire. Galoper enlève lui, papa. Un vieil bonhomme, pareil comme moi. Mon papa est capable de traverser le chemin. Trapeau là, mais fais-moi traverser le chemin là. Ou guette ta machin, ou rire, il dit bon, même bonhomme là, maudre. Alors, compassion, ça, l'amour pour le prochain, bizarre là. Ça, même sept points, moi, je mets devant vous. La prochaine fois, nous allons mettre encore l'autre sept points. Alors, laisse maintenant. Nous allons penser, nous, Narayana. En forme Gautam Buddha. Om Shri Buddha Devaya Namaha. Om Kapila Vastu. Un joli la ville il trouve dans Népal actuellement. Ça, à l'époque-là, là, nous pouvons 2600 bananes avant. L'étang Gautam Buddha, qui vit nous la terre. Ça, à l'époque-là, Népal, Tibet, Afghanistan, tout ça, un pays arabe. Balochistan, etc., etc. Tout ça là, tu appelles Akhand Bharat. Imagine un petit peu l'Inde qui grandait pays qui était là. Alors, Népal, mon remind un peu. Dans Népal même, ça à l'époque là, tu appelles Mithilapur. Sita Devi, il y a une petite fille, Mithilapur. Veut dire Népal actuellement. Afghanistan, vous entendez. Shri Krishna, sur la reine. Satya Bhama, il tient une fille. Afghanistan. Gandhar, Zodi ou Bhutan, Gandhar. Vous entendez quelle information qui peut arriver là? Dans Afghanistan. Beaucoup de problèmes là-bas. Gandhar. Gandhari. Dhritarashtra, ou Mahabharat, Dhritarashtra, Solagan, Gandhari, Lichanchifi, Gandhar, Jodi, Gandhar. Qui veut dire Gandhar? Gandha, Gandham, Gandham veut dire Chandanam, Chandan. Imaginez-vous, à l'époque-là, dans Afghanistan,
tu peux fabriquer, tu peux produire chandan. À cause de ça, tu appelles Gandhar, Gandha, Gandham. Alors, je peux dire que Gautam Buddha sont incarnation dans Népal. Ce qui est joli, son papa appelle Shuddhodan Maharaja, un grand roi. Son maman appelle Maya Devi. Là-dedans, encore plus joli là-dedans. Les rois, Shuddhodan, ils connaissent la reine pour gagner un petit bébé. Ben, ils ont encore une culture pour nous, jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie qu'une fête mariée, une année, après un an, une garbhavati, il peut gagner son petit bébé. Sa premier petit bébé là, alors, gagner quand son maman, son papa. Alors, les rois, ils respectaient sa culture là. Et ça, à l'époque là, une délégation peut prendre la reine. Et amène-lui contre son maman, papa, pour les gagner son bébé là-bas. Le temps pour aller le chemin, quand il y a une centaine de personnes en lit, il y a souvent d'as, d'assi, souvent de servante, tout ça là, son doctoresse, tout ensemble, un docteur. Les rois ne manquent rien. Comme ça, une centaine de personnes peuvent aller. Il arrive au milieu d'un roi. Ben, la reine qui a gagné son petit bébé. À ce qui vous fait la reine dans le bois. Tu es dit depuis dans Palki. Palki, vous connaissez. Vous savez là. Les épaules. Des trois hommes par ici, des trois hommes par derrière. Palki, la reine, princesse, tout ça là. Vous voyagez là-bas. Tu es dit depuis dans Palki, mettez-les en bas pied. En bas pied, il y a accouché. En bas pied, Gautam Buddha est venu. Qu'est-ce qui est joli? Gautam Buddha est venu en bas pied. Il descend, il est en bas pied. Il fait son méditation en bas pied, people, pied même. Dernier, il est allé, il quitte sa lémon là, il allait en bas pied même. Alors, Gautam Buddha, il est parti ordinaire. Et comment il vit le salataire là? Son papa intéressé. Et ça, à l'époque là, tout le monde, les rois, je tiens à votre conseiller gourou, mon grand pandit, mon grand acharya, il demande son gourou. Mon père envie connaît, ça mon garçon qui naît là, là, il y a un joli garçon, dites ça comment joli. Mon père envie connaît, qui son destin? Son Gurudev dit à lui, oh Maharaja, d'après mon père, qu'est-ce que ce garçon là? Je dis telle date, tel mois, et tel air il naît. Quand mon père guette tout ça, là, mon père étudie Panchangam, son horoscope, son destin, mon père guette. Sa garçon-là, soit il vient un grand les rois, un empereur, ou soit il vient un grand swami, un grand homme spirituel, un grand swami, en sa là. Mais mon papa est capable de dire exactement qui vient. Mais on s'adhère de vous venez. Papa là, les rois, qui les vous content? Il dit, ben, si moi, les rois, normalement vous content, vos garçons viennent empereur. Nous disons ça, tiens, que l'on va le dire. Les rois sont les rois. Les mêmes qui vont régner dans le monde là. Tout pays. Pour respecter, mon garçon vient d'un grand roi, un grand empereur. Ça, c'est son rêve, Astère.
dit non, vous vous faites deviner un grand lèvre quand même. Ok. Alors doucement, doucement, garçon, presse. Il y en a tout dans son palais. Qui lui manque? Quand ce garçon là, il gagne 10 ans, 3 ans, 4 ans. Sa façon qu'il est asile est un peu différente. Comparé à ben, les autres princes, comparé à ben, les autres. Les rois là, ils sont un petit peu tracassés. Il dit attention, les vinaigres soient mis ça. Ce qu'il fait, il n'est pas intéressé, non, rien avec mon plaisir, plaisir matériel, à promener, à l'ici, à le pique-nique, à le nightclub, pub, tout ça là. Non, il n'est pas intéressé. Il est sa garçon là, tu fais les bons temps. Mais doucement, doucement, quand il peut venir 5 ans, 7 ans, il peut paraître plus bien encore. Il n'est pas intéressé en rien. Parfois, il est assis dans un coin tranquille. Parfois, il est assis, il ferme son lisier, pas connaître qui, il peut penser, comment dire, il peut méditer. C'est un peu drôle. Là, papa, là, prend le sérieux. À 7 ans, guette comme ça. Et il arrive 15 ans, 16 ans, 17 ans, jeune. Il est sa garçon là. Papa l'a veillé. Et papa là, maman, les rois, la reine, et dit avec son conseiller, et guetté, qui manière, causant lui, fait lui comprendre, mais lui a fait promener, il n'y a pas sortir, même depuis d'en parler. Donc, faire lui sortir, forcer lui sortir dans son verger. Et son verger, il fait appel à son cousin. Son cousin avait appel Deodat. Son cousin vini, l'autre jouait parfois. Parfois, il est assis dans le papier tranquille. Son cousin appelle lui encore, vini nous jouer par ici, par là. Un jour, il arrivait, dans jouer dans le jardin même, là, dans le verger. L'air là-même, un hans, un cygne, un swan. Puis envolé, puis allé comme ça. Il sortit depuis dans un bassin, il perd dans l'autre bassin. Deodat, il trouve ça. C'est à l'époque-là, flèche, l'arc, flèche. Ça n'a pas dégazé, aller, Deodat, hein. Dégazé, y aller, il tire que flèche, l'eau, ça, hums. L'eau, ça, signe, swan. Et le temps qu'on a bout de guetté, il n'y a pas de gain, le temps de dire, il pas faire ça. Il y a un copain de dire, il pas faire ça trop tard. Infinity a flèche. Flèche là, il a direct. Perce l'écho. Ça soigne. Il crie, il allait comme ça, après débat. Quand on a bout de sa vitesse qui galopait, il allait. Il trappe ça. Hans, Hans. Signe, swan, sa oiseau là. Il met lui dans son les bras, il a assisé. Dix ans fait couler comme ça. Ah, il commence à pleurer. Dégazé, il tire sa flèche là, les étés, il peut caresser lui. Djaïo, tant que ça, Deodat galopé vini, son cousin. Il dit, hé, ça, moi qui me touille, moi qui tire pour flèche. Ça, pour moi, ça. Donne ça soin là pour moi. Ça pour moi, ça, moi qui ai une tire flèche. Il a dit non. Toi, ton tire flèche, tu peux tirer sur la vie. Mais get, ça, get, comment il a assis dans mon bras, il peut souffrir. Il peut souffrir. Mon papa est capable de souffrir. Pas bon de faire comme ça, tu fais un crime. Innocent, il peut aller. Qui fait donc bien faire ça, Deodat? Il dit, assez raconte pas ici, par là, donne-moi mon swan. Il dit, non, on ne va vous donner pas. Il prend l'île, il y dans ton bout, rentre dans son palais, rentre dans la chambre, dégazé, aller à l'eau de médecine, vini. Il souille ça, disant là, il met médecine, et fait appel au docteur, docteur Ayurvédique, vini.
passamit kamala e tous les jours ni passamit sin ce qui docteur ayurvédique qui donne li la passé les besoins li Deodat pas reste tranquille Deodat son cousin al rapporte ça avec les rois son papa pour Gautam Buddha il dit moi mon tiers coup de flèche mon tout ça ça mon tape pour sa flèche là ben ça soit là pour moi ben Siddharth Gautam Buddha l'est là qui appelle Siddharth ce type il dit Siddharth il prend ça il parlait de moi il y a une cachette ça soit là dans son la chambre là tous les jours il peut occuper ça et il vient donne moi il n'est pas bon il n'est pas juste où est le roi fais le jugement il dit ça vous pouvez comprendre nous pouvons faire un bon jugement pas tracasser là pour le moment tu peux dire ça soit là une blessée et Siddharth mais dire quand ton bout peut occuper lui laisse tranquille comment il dégage un tigine nous pouvons faire le jugement là après 20-25 jours les temps soignent ils commencent à les faire les rois ils assisent sur le trône et il dit à Gautam Buddha, envoyez une nouvelle, prends soin, venez. Toi, Devdat, venez aussi, nous pour faire jugement. Jugement, comment vous faire? Dieu, Devdat, déboute là-bas, toi. Toi, Siddharth, Gautam Buddha, toi, déboute ici. Là, que ça soit là, au milieu là. Quand il a envie d'aller, s'il peut aller vers toi, Devdat, ça veut dire pour toi. S'il peut aller vers Gautam Buddha, il peut aller mettre au milieu. Et tout ce monde ministre, tout ce monde conseiller, ce gourou, tout peut être Satan, Inch'Allah. Ça, Swan, Hans. Et un coup comme ça, il lève la tête. Ni get figure Deodat, comme dit que c'est zoumi. C'est un méchant démon. Tu n'auras plus de la vie. Après, il tourne un petit coup, il get Gautam Buddha, comme dit que c'est rigué. Yes, ça oui, ça m'a bon Dieu. Et doucement, doucement, tellement il prend lui dans son les bras, et il fait soin de lui, automatiquement il voit contre lui-même. Et le temps, il y a le côté, Deodat peut bouillir là-bas. Les rois disent, Deodat, qui m'a pu dire, toi, mon garçon? Ça soigne la même, il choisit Gautam Buddha, accepter. Et laisse-moi dire, toi, une affaire, Deodat. Shuddhodan, les rois là-bas, Shuddhodan, dit Deodat. Tu connais qui s'en a plus grand? Pas ce qui tient la vie qui gagne. Ce qui donne la vie qui gagne, lui-même grand. Pas que lui, mon garçon, mon père, que dans son faveur, tu en trouves devant toi-même. Qui s'en a pour content, toi, quand tu tiens flèche, quand même, qui s'en a. Dieu d'être tranquille. Depuis l'air là, Dieu d'être pas content, Gautam Buddha. Beaucoup de méchanceté, il fait. C'est moi, il est bien long pour expliquer. Mais jamais, il n'y a pas une réussite. Gautam Buddha tranquille, l'inattendu dégagé net bien, il est là, il n'est pas le continent gardé dans son prison. Il a l'orgue. L'orgue dans son bassin qu'il y a habité vivre. Alors, là, il peut montrer sentiment, sa déa qui nous est causé là, dans lesquels, ça Gautam Buddha là. Mais c'est là toujours, il est tranquille, tranquille, il reste dans son chambre. Peut-être qu'il était comme ça, il dit non, ça garçon là, attention, il pouvait une soirée mise. Non, bien attache-lui. Les rois, la reine, Gautam Buddha, son maman, papa, ils décidé, et nous guettons une jolie princesse pour lui, nous marions lui, correct, les gars, sa famille, ils vivent là. Sur la vie pour changer. Vous êtes mariés. Une jolie princesse, venez.
एंजोली गौसोसी ने गौसोला पे राहुल वो मे से सलना सो मानिएला पापे सो दे एंजू ले अपेल सो कोशे कौन जीतते हैं शादी जगत साहब मोटू सिद्धार्थ विजय गौतम बुद्ध ने विगे तू ने li dans parler même après forcer les vins dans verger non amène les un peu promener fait les promener c'est les rois tellement intelligents les temps amène les promener fait comment dire pour amène les promener dans la ville aller cuire puis partout nettoyer propre faudrait pas un an qui est malade faudrait pas qu'il vienne bonhomme et mange français. Faudrait tout correct pour qu'il peut passer, qu'il peut guetter tout dans gay, tout dans bien. Bien préparé. Dans toute sa préparation qu'il fait là, l'air là-même, il n'a pas envie de sortir, mais il peut écouter son papa qui a fait. Il met dans son chariot, dans son redon, rat. Sorti, il est en paix, aller. Pe ale pa tou zoli bien bon. En kou, li al trouven vie bonon, kama santener. Li pe manse avek en baton. In koube net kon sa. Li pa pe kapa manse, e li pe manse. Douceman, douceman. Li tan lin get sa vie bonon la, Gautam Buddha, li deman koshe, Ce qu'on dictait Chariot. Hé! Qui fait ça, Michel, là, comme ça? Il y a au prince, au Rajkumar. L'invine vieille à cause de ça. Il y a un, l'invine vieille. À cause de ça qu'il est comme ça, à cause de ça qu'il marche comme ça, à cause de ça l'invine comme ça. Son la main, il peut tout trembler, et il peut marcher comme ça, courber comme ça. Dieu oui, Rajkumar, oui, prince, à cause d'une vie bien, bien vieille. Quand du monde vient vieille, dit comme ça, Dieu oui, oui, prince. Est-ce qu'il m'a aussi beaucoup vienne vieille? Ah oui, bien sûr. Ou si vous venez vieille, moi aussi beaucoup vienne vieille. Ben, mon madame aussi vous venez vieille, il dit, ah oui, ou madame aussi vous venez vieille comme ça. Dieu non, get ça. Retourner la case, retourner. Tout le long chemin, il pense vieillesse. Dire vieillesse là, une souffrance, ça. Hein? Quand du monde vit une vieille, il souffre même pas. Il rentre la case, il renferme lui dans la chambre, il pense ça même. Ce lendemain, Son cocher vient de lui, Rajkumar, nous gagnons l'autre. Nous bien promener, puis sorti, non aller. J'ai pas envie d'aller, mais qui a fait? Papa solo. Il est assis dans le calèche, il peut aller. Le temps d'y aller, il peut aller comme ça. Un coup, dans tout peut veiller même, ça veille même. Un coup, il est soqué. Il trouve quatre dimoun pour s'envoyer un dimoun. Il dit, cocher, tu peux get ça là? Il dit, oui. Il dit, mais qui était ça? Je trouve quatre dimoun pour s'envoyer un dimoun pour aller. Ça, un dimoun là, il dormit. Qui a arrivé ça? Il dormit comme ça. Quatre dimoun pour lever, il peut aller. Et quand c'était dimoun pour aller, il peut marcher pour aller. Côté aller comme ça. Il dit, yo, Rajkumar. Prince. Ou pas connaître? Il dit non, ou pas connaître moi. Dis-moi, du coup, qui fait ça? Qui était ça? Il dit ça, dis-moi ce qui. Ou peut dire une domina, une mot. Un mot? Il dit oui, mais une mot. Il dit qui était ça, l'amour là? Il dit comment vous expliquez? Une mot?
we know kiye ke sa lamo la get sa rajkumar lamo with so lavi so atma so lam in kitle ko la inale so le ko in resan kote so atma pa kone ko din fini ale sa in responsa yabe an sa ki ave lamo oui be sa le ko la ki ki bo ko jo pe ave ni de sa no pe ave ni si mi chera la cimitière, qui est déjà cimitière? Aïe, jamais on va y aller, jamais on va y aller, on ne connaît même, on ne comprend pas qui est déjà. Il y a pas même cimetière là-bas, il y a huit cimetières là qui étaient. Il y a ça même amené là-bas. Je vous mets des trois cônes du bois comme ça. Je vous installe un cône du bois là, en Bali, là au lit, en Bali, partout. Les là, je vous mets du feu, je vous brille. Hein? Comme ça? Brille? Oh, mais moi ça même appelle l'amour. Bien oui. Bien mais est-ce qu'il m'aime pour moi et tout? Bien ouais. Oh prince. Pas ici où? Moi aussi mon boumo. Mon la reine aussi pour moi. Mon madame pour moi. Ou madame aussi pour moi. Tout du monde pour moi. Et tout du monde pour passer par même chemin. Tout du monde par cimetière même. Y'a eu comme ça ça. Retournez, retournez, nous retournons la case. Retourne la case. Tout le long chemin fait penser, mon poumon, mon madame poumon. Tout du monde poumon. L'amour là comme ça, hein. Un problème là, une souffrance ça, un douk ça, un mahadouk. Troisième jour, ressorti. Il n'y a pas envie d'aller, de qui a fait mon père trouver papa? C'est moi. Je viens respecter mon papa, je viens promener, allez, qui a fait, allez. Cochez Jalino, allez. Il est sorti. Sa fois là, il est sorti partout, joli, correct, correct. Peut être guetté. Et un coup, il trouve un du monde peut venir, depuis loin, il peut être en orange net. L'air orange net. Cachaille votre homme à Benza. Libérez-vous. Libérez ce guetrier. Didier Cossela, arrêtez, arrêtez. Et Saint-Michel, il est différent, hein. On trouve tout. Il met robe. Il y a une mette sali. Il y a une mette beauté. L'autre, il met comme ça. Ça, il est correct. Mais ça, là, qui fait dire orange comme ça. Et il peut manger fringant, il peut aller, me trouver, lui, comment dire, en riant, souriant, comment dire, il est dans contentement. Qui s'en a ça? Qui fait ça, Michel, là, comme ça? Il y a Rajkumar, il y a un sannyasi, il y a un swami, il y a un swami, sannyasi, qui était ça? Il y avait ça même là qui vous pouvez trouver là. Il y avait, qui son rôle? Son rôle? Il n'y a aucun tracas. Pour lui, problème, pas faire d'inanye. À cause de ça, tout mon swami, mon sannyasi, je t'appelle Anand. Satyakam Anand, Saraswati ça. Il reste Anandam, Anandam, Anandam et Anandam. Il n'y a pas un problème du tout. Problème quand même qui grosse montagne, si peut venir l'eau sur la tête, lui, quand il y a la poussière, il est arrivé. Il peut sortir la poussière, les écrits là-bas. Il y a comme ça, ça. Et, bien mille fois, lui-même. Bien oui, là, tu comprends, lui, il est encore avec lui. Alors, lui, il fait un problème. Tout le monde a un problème, mais lui, il fait un problème. Il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, ça ne va plus meilleur. Ça ne va plus meilleur. Correct. Alors, plus meilleur. Et la nuit, il va dans le sommeil. Il reste pensé, là. Pensé, l'amour. Pensée, maladie, dépense, vieillesse. Vieillesse, maladie, l'amour. Vieillesse, maladie, l'amour. Ça même dit bon ça. Ça même la vie ça. Mais sannyas, sannyasi correct. Swami correct. Pensée, pensée. Tellement ça t'a fait là, il domine sa pensée là. Il connaît. S'il peut quitter la case, il allait, il prend sannyas. Ni son maman, papa pour d'accord, les rois, la reine pour d'accord, ni son madame
मागे की बुडाको पैसों का बुडाको की लिफे ओमिलिए लानुइट disorti tranquille les mêmes connaît comment il ouvert la porte une sortie et en autant gardien les mêmes connaît après mon gardien il trouve lui mon watchman les rois ça mais ça n'a un prince paradis non rien.